गुना सांसद केपी यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में केपी यादव सिंधिया के माफी वाले बयान पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हालांकि बीजेपी ने केपी यादव के बयान का बचाव किया तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। सांसद केपी यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के माफी नामे पर सवाल उठाते दिख रहे हैं। केपी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया उसकी थाली में छेद नहीं करना चाहिए। और भरे मन से जहां केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहां और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहां मन से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूं, तो उनमें कहां से ये बुद्धि आती है, कहां से इस तरह की चीज़ें वो बोल लेते हैं, हिम्मत कहां से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी में आप हो, आप भरे मन से उस पार्टी का अगर सांसद जीता है और आप ये कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है। उधर केपी यादव के वायरल वीडियो के सामने आने पर बीजेपी बचाव करती दिखी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि केपी यादव किसी का नाम नहीं ले रहे, लिहाजा इस पर प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं। केपी यादव के बयान में किसी का नाम है क्या? ये सिंधिया जी का आप कह रहे हैं तो सिंधिया जी किसी का भी नाम है क्या? उन्होंने 2019 के घटना को लेकर कहा है, किसी का नाम नहीं कहा है। तो वो कांग्रेस के नेता हो सकते हैं, किसी और नेता के बारे में हो सकता है। जब जिस बयान में उन्होंने किसी का नाम ही नहीं लिया तो उसे सिंधिया जैसे जोड़ना या उनके समर्थकों से जोड़ना कहां तक उचित है? यदि वो नाम लेते तो निश्चित तौर पर हम इससे प्रतिक्रिया देते। उधर केपी यादव के बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से इस बात को कहती आई है कि चुनाव नजदीक आते आते भाजपा में गुटबाजी चरम सीमा पर होगी, सिर्फ उठवल और आपसी मतभेद चरम सीमा पर होंगे। और वो देखिए, वो बात आज सत्य साबित हो रही है, यथार्थ साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक चुने हुए सांसद का इस प्रकार से बयानबाजी करना। वायरल वीडियो की बात छोड़ दें तो केपी यादव इससे पहले अनदेखी का आरोप भी लगा चुके हैं। गुना सांसद केपी यादव के वायरल हुए वीडियो पर कट्टर सिंधिया समर्थक इमरती देवी ने कहा कि केपी यादव को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री तुलसी राम सिलावट ने कहा कि हमारी पार्टी में कोई अनबन नहीं चल रही, हमारे यहां संगठन और विचारधारा महत्वपूर्ण है। सिलावट ने कहा कि अफवाह कांग्रेसी लोग फैला रहे हैं। नहीं तो जो केपी यादव हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, सिंधिया जी के कार्यकर्ता थे, और जब वो लोकसभा में उनने पार्टी छोड़ी, उनने जब से राजनीति छोड़ी थी तो उनका महाराज ही उनके नेता है और महाराज ने उन्हें राजनीति करना सिखाया ना था। भी बता दे कौन सी पार्टी से राजनीति सीखे। हमारी कोई अनबन नहीं चल रही, हमारे यहाँ संगठन महत्वपूर्ण है, हमारी विचारधारा महत्वपूर्ण है। जो भी ये अफवाह फैला रहे हैं वो कांग्रेसी लोग कर रहे हैं, आपने बोला ना।